नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी का साइंस टुडे क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी भाई बंधुओं को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम हमारे चैनल के ऊपर आपको 12th क्लास की रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ BSc की जूलॉजी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई अगर टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप जो उसके पास में बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन होता है उसे भी आप क्लिक कीजिए, ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, देखिए, इससे पहले वाली क्लास में देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम है ना जो 12th क्लास की जो 12th बोर्ड की जो केमिस्ट्री है, जो NCERT की जो केमिस्ट्री है, उसका अध्याय नंबर एक हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। अध्याय नंबर एक हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे जो पहले वाली क्लास थी उसके अंदर उससे जो पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हम क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ चुके थे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टल के अवयवी जो कण होते हैं, जो क्रिस्टल के अवयवी कण होते हैं वो त्रिविम में निश्चित रूप से व्यवस्थित होकर, क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं किसी क्रिस्टल के, ये इधर देखिए, ये क्या है, इधर आप देखिए क्या है, ये क्रिस्टल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, यह एक क्रिस्टल है। ठीक है, यह क्रिस्टल है और यह इस क्रिस्टल के क्या है, अवयवी कण है। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल के अवयवी कण त्रिविम में व्यवस्थित होकर जो जालक का निर्माण करते हैं उसे ही क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं, अर्थात क्रिस्टल लेटिसे या स्पेस लेटिसे कहा जाता है। उसके बाद में हमने देखा था इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, यह क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होती है। इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका किसी भी क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होती है, जिसकी अगर पुनरावृत्ति की जाए तो वापस क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इकाई कोष्टिका एकक कोष्टिका क्या है, ये क्रिस्टल जालक का एक सबसे छोटा भाग है, जिसकी अगर पुनरावृत्ति की जाए तो वापस क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिसे। हम पढ़ेंगे यहां पर क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिसे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिसे। देखिए, क्रिस्टल जालक का जो पहला अभिलक्षण है वो क्या है, वो यह है कि जो क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है, क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है, ये जहाँ से डंडियाँ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना, तो क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु
जालक बिंदु अर्थात लैटिसे पॉइंट। क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु अर्थात लैटिसे पॉइंट या जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। जालक स्थल, जालक स्थल लैटिसे, लैटिसे साइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक क्रिस्टल जालक दिखाई दे रहा है। इस क्रिस्टल जालक के अंदर कहाँ पर है, इस क्रिस्टल जालक के अंदर आपको जालक बिंदु, इस क्रिस्टल जालक में आपको जालक बिंदु या जालक स्थल कहाँ दिखाई दे रहा है? यह है भैया, यह ही क्या है, जालक, जालक बिंदु है ये। ये क्या है, जालक बिंदु या जालक स्थल है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्रिस्टल जालक में जो बिंदु होता है, क्रिस्टल जालक में क्या होता है, जो क्रिस्टल जालक के जो प्रत्येक बिंदु होते हैं, क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु अर्थात लैटिसे पॉइंट या जालक स्थल अर्थात लैटिसे साइट कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ पर यह क्रिस्टल जालक है और इसमें आपको देखिए ये जो दो ये गोले गोले से दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आठों के आठों क्या है, जालक बिंदु हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि जो प्रत्येक जालक होता है, प्रत्येक जालक बिंदु क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं अणु परमाणु या आयन को दर्शाते हैं। प्रत्येक जालक, जालक बिंदु, प्रत्येक जालक बिंदु क्रिस्टल के अवयवी कणों प्रत्येक जालक बिंदु क्रिस्टल के अवयवी कणों अणु परमाणु या आयन को दर्शाते हैं, ठीक है। प्रत्येक जालक बिंदु किसको दर्शाते हैं, क्रिस्टल के अवयवी कण अर्थात अणु परमाणु या आयन को दर्शाते हैं। तो जो ये आपको जो ये जालक बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना इस क्रिस्टल के अंदर, ये क्या हो सकते हैं, यह कोई अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, अणु परमाणु या आयन हो सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक के दो अभिलक्षण तो आपको समझ में आ गए होंगे कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है, जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है, लैटिसे पॉइंट या लैटिसे साइट कहलाता है। फिर दूसरा अभिलक्षण क्या है कि जो प्रत्येक जालक बिंदु होता है, वो क्रिस्टल के अवयवी कणों अणु परमाणु आयन को दर्शाता है। ठीक है, अब तीसरा अभिलक्षण क्या है कि जो जालक बिंदु जिन पृष्ठों पर बंधे होते हैं उन्हें फलक या फेस कहते हैं। जालक बिंदु जिन पृष्ठों पर बंधे रहते हैं उन्हें फलक या फेस कहते हैं। इधर आप देखिए ये दो जालक बिंदु हैं और ये जिस पृष्ठ पर बंधे हुए हैं इसे क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे। ये क्या है, फलक है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फलक कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्रिस्टल जालक के तीन अभिलक्षण समझ में आए होंगे। ठीक है, एग्जाम में दो भी पूछ लेता है, तीन भी पूछ लेता है या एक नंबर का एक भी आ सकता है कि क्रिस्टल जालक की एक अभिलक्षण के बारे में लिखिए। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अब हम देखेंगे एकल कोष्टिका के प्रांचल या पैरामीटर ऑफ
यूनिट सेल। ये तो आपको समझ में आ गए होंगे अभिलक्षण। तो क्रिस्टल, क्रिस्टल जालक के प्रांचल पैरामीटर्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए ये प्रांचल या पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये हम कह सकते हैं कि कुछ विशेषताएं होती है। क्रिस्टल जालक के अंदर क्या पाई जाती है, जो क्रिस्टल जालक के अंदर जो उसकी इकाइयां होती है, जो यूनिट सेल होती है या जो एकल या इकाई कोष्ठिका होती है, उसके अंदर कुछ अपन कह सकते हैं विशेषताएं पाई जाती है, जिसे उसके क्या बोलते हैं, पैरामीटर कहते हैं। तो जो क्रिस्टल जालक होता है उसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर, मतलब क्रिस्टल जालक के अंदर जो इकाई सेल होती है या जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, क्रिस्टल जालक के क्रिस्टल जालक नहीं, यहाँ पर है ना एकक कोष्ठिका आएगा। वैसे एकक कोष्ठिका, ठीक है, एकक कोष्ठिका के प्रांचल की जो यूनिट सेल है, जो यूनिट सेल है उसके अंदर क्या क्या प्रांचल पाए जाते हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, अभी आपको आराम से समझ में आएगा, आप ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका के प्रांचल, एकक कोष्ठिका के 6 प्रांचल बताए गए हैं। कितने प्रांचल बताए गए हैं, 6 प्रांचल बताए गए हैं। इधर आप देखिए, एकक कोष्ठिका, जो एकक कोष्ठिका है, जो हमारी एकक कोष्ठिका है अर्थात जो यूनिट सेल है, अर्थात जो, अरे भैया एकक कोष्ठिका क्या होती है, इधर देखो आप, ये देखिए, ये क्रिस्टल जालक है, ठीक है, क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक का जो सबसे छोटा भाग होता है, क्रिस्टल जालक का जो सबसे छोटा भाग होता है वो बिल्कुल क्रिस्टल जालक के समान ही होता है, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो एकक कोष्ठिका क्या है, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी अगर बार बार पुनरावृत्ति की जाए, ठीक है, जिसे तीनों विमाओं में पुनरावृत्ति की जाए, अगर उन्हें चौड़ाई में जमाया जाए, अगर उन्हें लंबाई में जमाया जाए, अगर उन्हें गहराई में जमाया जाए, तो वापिस एक नए क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। देखिए अगर ये परिभाषा आपको समझ में ना आए ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकक कोष्ठिका क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग है जिसकी पुनरावृत्ति करने पर वापस क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे एकक कोष्ठिका के प्रांचल, एकक कोष्ठिका के 6 प्रांचल होते हैं। कितने प्रांचल होते हैं, 6 प्रांचल होते हैं, ठीक है। और इन 6 प्रांचल में से 3 तो होते हैं दूरी के प्रांचल और 3 होते हैं कोणीय प्रांचल। तीन तो क्या होते हैं दूरी के प्रांचल और बाकी के 3 क्या होते हैं, बाकी के 3 होते हैं कोणीय प्रांचल। तीन तो होते हैं दूरी के प्रांचल, 3 होते हैं कोणीय प्रांचल। ये होती है अक्षों की दूरियां। इसका मतलब क्या है, अभी सब समझ में आएगा, पहले आप लिखिए अक्षों की दूरियां, ठीक है। कोणीय प्रांचल क्या होते हैं, अक्षों के कोण, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका के कितने प्रांचल होते हैं, 6 प्रांचल होते हैं, ठीक है। 3 तो दूरी के प्रांचल होते हैं, 3 कोणीय प्रांचल होते हैं। तो दूरी के प्रांचल को
क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है, अक्षों की दूरियां। तीन क्या होती है इसके अंदर, अक्षों की दूरियां होती है, और जो कोणीय प्रांचल है उसमें क्या होते हैं, अक्षों के कोण होते हैं। क्या क्या होते हैं उसमें, अक्षों के कोण होते हैं। अब आप ध्यानपूर्वक समझिए है क्या ये प्रांचल, देखिए इधर आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाले को इसको। हाँ अब देखिए, आप देखिए यह एक एकक कोष्ठिका है। क्या है ये, एकक कोष्ठिका है, ठीक है। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो मैं लाल लाल बना रहा हूं, देखिए ये तीन विमाएं हैं। क्या है ये, सॉरी ये क्या है, तीन विमाएं हैं ये, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये लंबाई की विमा है, ठीक है, ये ऊंचाई की विमा है, यानी कि इसमें इन दोनों में से एक हमेशा लंबाई की विमा होगी और एक चौड़ाई की विमा होगी, ठीक है ना। और जो ये वाली है ये गहराई की विमा है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, या अंदर से बाहर आ रहा है। तो यह है एकक कोष्ठिका और इसके अंदर आपको दिख रही होगी तीन अक्ष, ठीक है, ये रही अक्ष, ठीक है, ये वाली एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, बना सकता हूं मैं ऐसे, ऐसे बना सकता हूं, जरूर बना सकता हूं, बनाऊंगा मैं तो, आप मना करेंगे तो भी बनाऊंगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। अपन ये जो मध्य वाला बिंदु होता है इसे ओ से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर बिंदु को। तो जो सेंटर बिंदु से जो एक्स अक्ष की जो दूरी है वो है ए, और इस सेंटर बिंदु से वाई की जो दूरी है वो है बी, ठीक है, और सेंटर बिंदु से जो जेड की दूरी है वो है सी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एकल कोष्ठिका के अंदर छह प्रांचल होते हैं, तीन दूरी के प्रांचल होते हैं, तीन कोणीय प्रांचल होते हैं, ठीक है। तो तीन दूरी के प्रांचल कौन से हो गए, अक्षों की तीन दूरियां ए बी और सी। तो ये तीन प्रांचल हो गए या नहीं हो गए, दूरी के हो गए भैया, तीन पैरामीटर हो गए, ठीक है। ए दूरी देखिए पॉइंट ओ से एक्स, फिर ओ से वाई, फिर ओ से जेड की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली अक्ष की दूरी कितनी है ए, दूसरी अक्ष की दूरी कितनी है बी, और तीसरी अक्ष की दूरी कितनी है सी, ठीक है ना। तो तीन, तो दूरी के प्रांचल कितने हो गए, तीन हो गए, ए बी और सी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर कोण भी बनते हैं, बी और सी के बीच में बनता है अल्फा कोण, क्या बनता है, अल्फा कोण बनता है, और सी और ए के बीच में बनता है बीटा कोण, ठीक है, और ए और बी के बीच में बनता है गामा कोण, क्या बनता है, गामा कोण बनता है, ठीक है। तो यहां पर कोणीय प्रांचल कितने हो गए, अक्षों के तीन कोण बन रहे हैं यहां पर, अल्फा बीटा गामा। तो यहां पर आप देखेंगे अल्फा बीटा गामा, ये तीन प्रांचल और हो गए, कितने हो गए, तीन प्रांचल और हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर कुल कितने हो गए, तीन और तीन छह प्रांचल हो गए या नहीं हो गए, हो गए। अब आप ध्यानपूर्वक समझिए, अब मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट बात, आप इधर देखिए, देखिए ए व बी के मध्य में, या अपन यहां से चालू करते हैं, बी व सी के मध्य में बी स्टार लगाकर, तीन स्टार लगाते हैं हम, बी व सी के मध्य में, के मध्य में कौन सा कोण होगा, बी व सी के मध्य में अल्फा कोण होगा, ठीक है, अल्फा कोण होगा, ठीक है। सी और ए के मध्य में, सी व ए के मध्य में, सी व ए के मध्य में बीटा कोण होगा,
ठीक है। और ए और बी के बीच में, ए व बी के मध्य में गामा कोण होगा, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एकल कोष्टिका के प्रांचक, एकल कोष्टिका के प्रांचल पढ़ रहे हैं, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। छह प्रांचल होते हैं, तीन दूरी के प्रांचल होते हैं और तीन कोणीय प्रांचल होते हैं। दूरी के प्रांचल कौन से हैं, ए बी और सी, ठीक है। और कोणीय प्रांचल कौन से हैं, अल्फा नहीं, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, ये कोणों में बिल्कुल भी हमें भूलना नहीं है। याद करने का तरीका ऐसे है कि मैंने तो देखो ऐसे याद कर लिया कि देखो यहाँ पर तो ए आई रहा है एक्स एक्स अक्ष पे, यहाँ पर बी आई रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर सी आई रहा है, ठीक है ना। तो वैसे कहानी की शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए थी, देखो यहाँ से। कोई भी जो नया होगा स्टूडेंट वो क्या करेगा, वो यहाँ बनाएगा अल्फा, यहाँ बनाएगा अल्फा, यहाँ बनाएगा बीटा और यहाँ बनाएगा गामा, तो गलत हो जाएगा उसका। उसको बस थोड़ा सा दिमाग में याद करना पड़ेगा कि अल्फा की शुरुआत इस पे से ना करके यहाँ से करनी है, अल्फा बीटा और गामा, बस इतना सा ध्यान उसे रखना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण समझ में आए होंगे, साथ ही साथ आपको एकक कोष्ठिका के प्रांचल भी समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, ओके टेक केयर।